एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्कार है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और मैंने एक खोल भी रखा है। देखिए, यहाँ पर वेबसाइट का आप देखेंगे एड्रेस तो cbse.nic.in पर आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप उस पर थोड़ा नीचे आएंगे, आप cbse.nic.in पर जाइए, थोड़ा नीचे टैप करेंगे तो इन फोकस कॉलम में ही देखिए यहाँ पर ये आपका यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर आपका डेट शीट का ऑप्शन बना हुआ है। यहाँ पर जाकर आप डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, डाउनलोड हो गई है। देखिए, मैंने डाउनलोड कर लिया है और आप नीचे जाएंगे तो स्टार्टिंग में तो जो आपके पेपर है वो तो नॉर्मल से पेपर है। हम तो नीचे चलते हैं इसमें और देखिए यहाँ से आपका, मैं बेसिकली कॉमर्स का बताऊंगा आपको, बाकी सारे आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले पेपर आपका 6 मार्च को है, उससे पहले 2 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश कोर का। उसके बाद 6 मार्च को आपका अकाउंटेंसी का पेपर है। थोड़ा और नीचे जाएंगे कॉमर्स वाले बच्चे तो यहाँ पर जिनके पास हिंदी है उनका 9 मार्च को हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर का पेपर है। उसके बाद आपका 14 मार्च को बिजनेस स्टडी का पेपर है, यानी कि बीच में काफ़ी गैप रखा गया, आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो बच्चे इनके पास मैथ है तो उनका 18 मार्च को मैथ का पेपर है, यानी आपको 3 या 4 दिन ही मिलेंगे मैथ की तैयारी करने के लिए। और हाँ, उसके बाद सीधा आपका 27 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है, यानी कि इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको बहुत टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो लास्ट में आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा जो कि 30 मार्च को होगा। तो मुझे बस यही कहना है कि आप एक बार इसको देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब का होने वाला है और उस हिसाब से अपनी तैयारी चालू रखें। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगा, इकोनॉमिक्स के लिए, 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कुछ वीडियो पहले से डाल रखे हैं चैनल पर, बाकी मैं और वीडियो कुछ डालने वाला हूँ तो वो आप देखते रहिएगा। और कोई और भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लगता है कि हमें हेल्प की ज़रूरत है सिर्फ कॉमर्स के लिए, तो वो भी आप कमेंट में करके जाइएगा, मैं उसकी भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और हाँ, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको, और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नमस्कार।